नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पैरालिसिस कैसे होता है। पैरालिसिस दिखता तो हाथ पैर का रोग है कि हमारे हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, मगर बहुत कम पैरालिसिस के पेशेंट ये जानते हैं कि इसका हाथ पैर से लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं होता। पैरालिसिस कहीं दिक्कत शुरू होती है कहीं हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारे हाथ पैर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, हमें सोचने की शक्ति देता है, हमारे हाथ पैर को चलने की ताकत देता है। तो अगर किसी भी कारण से इस ब्रेन को कुछ हो जाए तो नुकसान कहाँ होता है कि हमारे हाथ पैर की चलने की क्षमता चली जाती है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे इस ब्रेन के अंदर कि किस तरह से ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, कितने टाइप के पैरालिसिस होते हैं और कैसे उनसे हम निकल सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि पैरालिसिस के अंदर हमारे ब्रेन को नुकसान हुआ, अब ये नुकसान किस प्रकार से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको जानना भी ज़रूरी है। तो जो पैरालिसिस के अंदर जो मेजर कारण होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक, और ब्रेन स्ट्रोक की भी दो टाइप होती हैं। पहला होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, यानी आपकी खून की जो प्रवाह के अंदर किसी टाइप का जब क्लॉट होता है और खून आपका आगे नहीं जा पाता तो दिमाग के एक हिस्से को ब्लड नहीं मिल पाता। अब ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ब्लड में क्या होता है, खाना होता है। अब जब आपके ब्रेन के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ ही मिनटों के अंदर वो हिस्सा मर जाता है और वो काम करना कर देता है बंद। और जब उसने काम करना कर दिया बंद तो नुकसान कहाँ होता है, हमारे हाथ पैर में, कि जो हिस्सा हमारे हाथ पैर को चला रहा था अब वो नहीं चला पा रहा। तो ब्रेन स्ट्रोक का पहला टाइप है इस्केमिक, जिसमें क्लॉट आता है। दूसरा ब्रेन स्ट्रोक का टाइप होता है वो है हेमरेजिक, यानी नस का फट जाना। मान लो कि आपका बीपी हाई है, बीपी हाई होने की वजह से ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है और ये जैसे हमारे नाक से नकसीर आ जाती है, खून बाहर आ जाता है, नाक के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं फट जाती हैं, उसी तरह से अगर हम यही वेसल हमारे नाक में ना फट के हमारे ब्रेन में फट जाए तो दिमाग के अंदर खून फैल जाता है। अब खून के फैलने से दिमाग के आसपास के जो हिस्से हैं उनको नुकसान पहुंचता है और वही होता है जो कि हमें इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक में देखने को मिला कि पेशेंट की हाथ पैर की चलाने की क्षमता चली जाती है, बोलने की क्षमता चली जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अब ये जो नुकसान है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से नुकसान पहुँचाता है। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे एक इमेज लेकर आया हूँ, अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो अगर आपके लेफ्ट साइड में क्लॉट या ब्रेन हैमरेज होता है तो आपके राइट साइड का बॉडी का ये पार्ट इफेक्टेड होता है। इसी तरह से अगर आपके राइट ब्रेन में किसी टाइप का नुकसान होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी हमारी पैरालाइज हो जाती है। यानी अगर हम समझने की कोशिश करें तो दिमाग का एक हिस्सा, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट को हैंडल करता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट को करता है। तो अगर आपके पास आपके ब्रेन की MRI की रिपोर्ट है तो उसे निकालो और उस पर खुद ब खुद जज करो कि क्लॉट कहाँ आया था, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में आया था, और कौन सा हिस्सा हमारा पैरालाइज हुआ, राइट साइड का। तो ये बताता है कि हमारे ब्रेन किस तरह से काम करता है। अब ये जो क्लॉट है, हेमरेज है, ये हमारे दिमाग के किस हिस्से पे आया है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी क्या क्या हमें नुकसान होगा। कुछ पेशेंट के अंदर चलने में बहुत दिक्कत होती है कि वो बैलेंस नहीं बना पाते, कुछ पेशेंट के अंदर हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो चली जाती है, कुछ पेशेंट के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है, बचकानापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ब्रेन के किस हिस्से को नुकसान पहुँचा है। अब आपके स्क्रीन पे एक ब्रेन की इमेज है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा दिमाग बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है और हर हिस्सा एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। कोई हमें सोचने समझने की शक्ति दे रहा होता है, कोई हिस्सा हमारी हाथ पैर को चलाने की क्षमता दे रहा होता है, बोलने की क्षमता दे रहा होता है, देखने की क्षमता दे रहा होता है। तो दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। इससे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे एक बड़ी कंपनी में छोटे छोटे डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई अकाउंट्स देख रहा है, इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, एरिया होता है, डिपार्टमेंट होता है। अब जहाँ पर क्लॉट आया है, जहाँ पर ब्रेन हैमरेज हुआ है, नस फटी है, वहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर किस टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे। कुछ पेशेंट के अंदर बचकानापन इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर पैराइटल रीजन के अंदर नुकसान हुआ है, फ्रंटल रीजन के अंदर नुकसान हुआ है, क्योंकि फ्रंटल रीजन हमें जजमेंट करने की हेल्प करता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही है क्या, गलत क्या है, ये हमें हमारा ब्रेन का फ्रंटल लोब देता है। तो अगर फ्रंटल लोब में किसी टाइप की दिक्कत आएगी तो पेशेंट के अंदर में बचकानापन देखने को मिल जाता है।
हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोकास एरिया। ये क्या करता है, ये हमें स्पीच देता है, बोलने की ताकत देता है, हमारी मांसपेशियों को, आवाज़ की मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। तो अगर उसमें किसी टाइप की नुकसान होगा तो क्या होगा, पेशेंट की बोलने की क्षमता चली जाएगी। इसी तरह से हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है वो हमें सेंस करवाता है, जजमेंट करने में हेल्प करता है कि जैसे अगर आप मुझे देख रहे हो या किसी और चीज़ को देख रहे हो तो वो चीज़ क्या है। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया को नुकसान हुआ है, और जिस टाइप के, जिस एरिया को नुकसान होगा उसी टाइप के सिम्टम्स हमें पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये तो रहा कि किस तरह से पैरालिसिस देखने को मिलता है, किस वजह से वो होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसके अंदर रिकवरी कैसे लेकर आई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हमें ब्रेन का ही ट्रीटमेंट करना है। अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट एक्सरसाइज करता है और ब्रेन को कहीं ना कहीं छोड़ देता है, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को क्या मिलती है कि पहले 6 महीने में इम्प्रूवमेंट आती है। इसलिए नहीं कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए क्योंकि ब्रेन के अंदर जो भी नुकसान हुआ होता है वो ऑटो हील होता है। जैसे अगर हमें कोई कट लग जाए तो क्या होता है, शरीर उसे अपने आप जख्म को भरता है। इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर नुकसान होता है तो ब्रेन पहले 6 महीने में उसे बनने की कोशिश करता है, और इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे अगर हमारी स्किन पे लगा तो हम इसे हीलिंग कहते हैं, मगर ब्रेन के अंदर जब भी हीलिंग प्रोसेस होता है तो हम इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट दोबारा से शुरू होती है। इसी वजह से पहले 6 महीने के अंदर ही पेशेंट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। जो पेशेंट चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। दिक्कत शुरू होती है इन 6 महीनों के बाद। अगर पेशेंट में पूरी रिकवरी नहीं आ पाती और न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाती है, तो पेशेंट चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा ले, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा ले, जो मर्जी ट्रीटमेंट ले ले, पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन नहीं है, वो बंद हो चुकी है। तो अगर किसी पैरालिसिस पेशेंट जिसको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है उसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, तो सबसे पहला काम क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना, जिससे उसके ब्रेन की हीलिंग पावर दोबारा से आ सके, दोबारा से वो अपने अंदर विकास कर सके, डेवलप कर सके। अब जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से, दिक्कत इसमें एक और होती है, ये दिमाग का हिस्सा नया होता है, क्योंकि पहला वाला तो मर गया। अब जो नया हिस्सा बन रहा है इसको हमें सिखाना भी पड़ता है। तो अगर हम जो काम इस टाइम में करते हैं हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं, यानी जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर देते हैं मेडिसिन की हेल्प से, अगर हम पेशेंट को वॉक करवाएंगे तो पेशेंट वॉक में अच्छा होगा, अगर हम उसे साइकिलिंग करवाएंगे तो साइकिलिंग में अच्छा होगा, अगर हम उसे स्विमिंग करवाएंगे तो स्विमिंग में होगा। तो हमें एक्सरसाइज को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें पेशेंट अपनी इंप्रूवमेंट लेता चला जाए और फाइनली वो पहले जैसा हो सके। तो इसलिए हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, इसी वजह से आपकी डाइट पे भी ध्यान दिया जाता है। डाइट हमें कुछ इस टाइप की लेनी होती है जो हमारे ब्रेन को हेल्प करे हील करने में, और न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमें ऑन करना होता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। यानी अगर किसी पैरालिसिस पेशेंट को हमें ठीक करना है तो 3 बड़े पड़ाव हमें देखने हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना, दूसरा है सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना, और तीसरा है डाइट। जब ये 3 चीज़ें एक पैरालिसिस पेशेंट को मिलती है तो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो रिकवरी नहीं आ रही होती वो सडनली शुरू हो जाती है, जो रुकावट आई हुई थी वो खत्म हो जाती है पेशेंट में रिकवरी आने से, उसके हाथ पैर की दोबारा से काम करने की क्षमता वापस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट ठीक होना चाहता है तो उसके लिए इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अपने ब्रेन को समझना ज़रूरी है, पैरालिसिस क्यों होता है इसे समझना ज़रूरी है। और अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट इसे समझ जाता है तो वहाँ से उसकी रिकवरी आसान हो जाती है। क्योंकि अगर हम पैरालिसिस पेशेंट के बारे में बात करें, जो भी ट्रीटमेंट पैरालिसिस पेशेंट को दिया जाता है, चाहे वो मेडिसिन होती हैं, तो उसमें बीपी की होगी, कोलेस्ट्रॉल की होगी, ताकत की मेडिसिन होंगी, बट कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो पेशेंट की ब्रेन के अंदर जाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर सके। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसे गूगल पे खुद ब खुद सर्च करो, तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कि कहाँ पर गलती हमारी रह रही थी जिसकी वजह से हमारी रिकवरी नहीं आ रही थी। तो पैरालिसिस को समझो, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को समझो, जब हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो पहले महीने में ही हमें चेंजेस जो हम चाहते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख गए होंगे कि पैरालिसिस कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस तरह से पैरालिसिस के अंदर सुधार लाया जाता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर श्रेयास के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं, और मैं आप चाहता हूँ कि आप हमारे कुछ पेशेंट से भी मिलें जिन्होंने पैरालिसिस को हराया है।
नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम जी आर शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है, तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई, एक अभी तो एक ही महीना हुआ है, एक महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहले टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भी मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। आयुर्वेद की? हाँ, डॉक्टर ने कहा। अच्छा, कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने एक महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है और मैं आज दोबारा से एक महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जो पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि ये चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे या बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद जमीन आसमान का फर्क नजर आना शुरू होता है। ये इसलिए हुआ था कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी एक महीना हुआ है, बट एक महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? ऐसा है डॉक्टर साहब, का इलाज एक महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हो यार, एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको।
अब आपने देखा कि किस तरह से पैरालिसिस को सही तरीके से ट्रीटमेंट करके हराया जा सकता है। अब इसी के साथ आपसे मैं चलने की आग्रह चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।